तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। क्या पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। इससे पहले अपन पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों कहां प्रेजेंट होता है, सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है, ब्रेन में। कहां पर प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में। हाइपोथैलेमस हो चाहे पिट्यूटरी, दोनों कहां मिलेंगे, ब्रेन में, ठीक है। दोनों के दोनों ब्रेन में मिलेंगे, कहां मिलेंगे, ब्रेन के अंदर। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी भी यही होगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अब सुनना, सबसे पहले मैं पिट्यूटरी के बारे में थोड़ा बताता हूं आपको। किसके बारे में, पिट्यूटरी के बारे में बताता हूं। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर मिलती है, ये हाइपोथैलेमस है। क्या ये आपका, ये वाला, ये हाइपोथैलेमस पोर्शन है, ये वाला आपका, ठीक है। इस हाइपोथैलेमस पोर्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, हाइपोथैलेमस दिख रहा है आपको सभी को, ये क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से ही एक क्या निकल रही है यहाँ पर, ये वाली जो है मटर के दाने जितनी, इसे अपन क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्रीन कलर में जो आपको दिख रही है वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी के दो होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दो होते हैं पोर्शन, एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन इसके अंदर होता है पिट्यूटरी का, वो अपन अभी देखेंगे। पर ये आप बताओ, ये हाइपोथैलेमस से कौन सी ग्लैंड लटकती हुई दिख रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से कौन सी लटक रही है ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो जो है नीचे की तरफ है। आई बात समझ में। अब देखो, वो छोटी सी ग्लैंड है, ठीक है। अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर आपको लोकेशन बताऊं तो देखो, जस्ट इसके पीछे दिख रही है, जस्ट इसके पीछे। जैसे आप ये इधर देखो, इधर और इधर, है ना, इधर और इधर। जब आप जो है दोनों जहां पर मिलेंगी मेरी, ये दोनों पॉइंट जहां मिलेंगे वहीं पर ही क्या होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड की क्या हो जाएगी, लोकेशन हो जाएगी। आई बात समझ में, क्लियर है। तो बिल्कुल इस तरीके से इसको भी अंदर डालो और कान से इसको भी अंदर, तो जहां पर ये दोनों मिलेंगे वहां पर क्या मिलेगी आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड मिलेगी। ये बात ध्यान में रखना, जस्ट इसके पीछे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब सुनो, दो पार्ट अपन देखते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी देखते हैं, है ना। इधर देखो, इधर से आपको दिख रहा है ये दो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो इस तरफ एंटीरियर है और पोस्टीरियर इस तरफ है। पोस्टीरियर किधर है, इस तरफ है। आ रही बात समझ में। तो इधर देखो, देखो ये आपको दिख रही है पार्स ट्यूबरेलिस, दिख रही है आपको ये वाली, ये दिख रही है पार्स ट्यूबरेलिस, ठीक है। ये पार्स ट्यूबरेलिस है और ये क्या है, पार्स डिस्टेलिस। ये पिंक कलर में आपको जो दिख रही है ना, पिंक और ब्लैक में, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये जो पिंक कलर और ब्लैक में जो दिख रही है, ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो पीछे है वो क्या है वाली, ये येलो कलर वाली कौन सी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है। तो ये वाली कौन सी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और ये वाली कौन सी है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये वाली कौन सी है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। एंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो आपको कितने पार्ट दिख रहे हैं, एपी। ये एपी मतलब क्या है, ये एपी, एपी मतलब क्या है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी। एपी मतलब क्या है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी। चलो, तो ये एपी क्या है, ये आंध्र प्रदेश है। क्या है, ये एपी आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो ये कुछ बच्चे बाद में जब चैप्टर खत्म होता है तो उसको आंध्र प्रदेश पढ़ते हैं, एपी कौन सी गाड़ी का नाम तो नहीं कही है, है ना। तो ये भैया याद रख लेना, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। और एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या आता है, एक तो आएगा पार्स ट्यूबरेलिस, एक पार्स डिस्टेलिस। ये पार्स डिस्टेलिस, ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इधर देखो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर क्या कहला जाएगा, पार्स ट्यूबरेलिस, ठीक है। और ये भी क्या है, ये पार्स डिस्टेलिस हो जाएगा। और ये बीच में है वाला, तो ये पार्स इंटरमीडिया, बीच वाला क्या कहलाएगा, पार्स इंटरमीडिया। ये तीनों के तीनों जो पोर्शन है वो किसमें आते हैं, ये तीनों के तीनों किसमें
किस में आते हैं पोर्शन? एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी। और येलो कलर में आपको अलग से ही दिख रही होगी, दिख रही है ना, येलो कलर में आपको अलग से ही दिख रही है, वो क्या है, पूरी की पूरी, ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या है ये? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात अगर मैं करूं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा ये वाला, देखो ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसे कहेंगे अपन इनफंडिबुलम। क्या कहेंगे इसे? इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे? पार्स नर्वोसा। क्या कहेंगे इसे? पार्स नर्वोसा। आरिवा समय में पार्स नर्वोसा। और ये दोनों मिलकर किस पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन बनाएंगे? ये इनफंडिबुलम येलो, और ये भी येलो, पार्स नर्वोसा, ठीक है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन सी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। तो टोटल आप बताओ एंटीरियर पिट्यूटरी में कितने पोर्शन दिख रहे हैं, बोलना जरा। तीन पोर्शन कितने दिख रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में? तीन पोर्शन, बोलो जरा कौन कौन से। पार्स सुप्रालिस, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कितने दिख रहे हैं? दो, ठीक है, इनफंडिबुलम और पार्स नर्वोसा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब सुनो ढंग से। अब देखो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी बड़ी दिख रही है थोड़ी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन से हॉर्मोन्स बनते हैं? तो सबसे पहले अपन एंटीरियर पिट्यूटरी के अपन देखते हैं हॉर्मोन्स, है ना। देखो ये लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी कौन कौन से, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसको एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। कई बार ये नाम आ जाए तो घबराना मत। तो और एंटीरियर पिट्यूटरी के कितने पार्ट होते हैं अपन ने देख लिया ना, तीन होते हैं और उसके दो होते हैं, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है। तो उसके तीन पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो अब सुनो, तो एक बात ध्यान रखना, एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट तीन है, तो हॉर्मोन इसके जो द्वारा निकाले जाएंगे वो भी कितने होंगे? ज्यादा होंगे। कितने होंगे? लगभग सात हॉर्मोन निकालेंगे। कितने? सात हॉर्मोन। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कितने हॉर्मोन निकालेगी? सिर्फ दो हॉर्मोन। कितने? दो हॉर्मोन, सात ये दो ये, आई समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। अब एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा जो हॉर्मोन निकलेंगे वो ये निकलेंगे, कौन कौन से? ग्रोथ हॉर्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हॉर्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन। सर ये तो छह है, आप कह रहे हो सात, इसमें छह दिख रहे हैं। अरे भैया एक जो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन है ना, इसी को ही हम जो है, हम अगर मैं बात करूं इसी को ही हम क्या कहते हैं? ICSH कहते हैं। ICSH किसमें? मेल्स में। किसमें कहते हैं? मेल्स में, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ICSH मतलब क्या होता है? इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। क्या नाम है इसका पूरा नाम? इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब इनको याद करने की जो ट्रिक्स है वो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। ट्रिक का नाम क्या है? पतली जीएफ पाओ, ठीक है भाई। क्या है भैया? एक है ना, क्या बोल रहे हैं? एक पतली जीएफ पाओ, आरी बात समझ में? एक ही है ना, एक ही सही है ना। कोई एक ऐसा तो नहीं जिसके तीन चार में, कोई ऐसा है क्या? क्यों भाई? लोगों का बता नहीं। तो ये बात ध्यान रखना, अ से क्या पर रखोगे कि एक है ना, एक ही चाहिए जीएफ, वो भी कैसी? पतली है ना, आरी बात समझ में? मोटी कोई नहीं चाहता, पतली जीएफ पाओ। अब इसमें पाओ जो है, ठीक है, वो पाओ क्या बता रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पाओ क्या बता रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और ए से क्या बता रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। साफ साफ पता पड़ रहा है, ए से एंटीरियर, पी से पोस्टीरियर। और इसके पोस्टीरियर के कौन से होते हैं?
एडीएच और एडीएच का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, क्या नाम होता है याद रखना पड़ेगा ये, एडीएच और वैसोप्रेसिन, और वो क्या होता है ऑक्सीटोसिन। अब अपन एक एक करके इन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके हम क्या पढ़ेंगे इन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो ग्रोथ हार्मोन जो होता है साफ साफ समझ में आ रहा है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये, ग्रोथ के लिए, किसके लिए ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और ग्रोथ जो होती है ना, इसको दूसरा नाम याद रखना सोमेटोट्रोपिन, क्या कहते हैं इसे सोमेटोट्रोपिन, ठीक है, और सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं इसको। और ये क्या करवाता है ग्रोथ करवाता है, कैसे ग्रोथ करवाता है, तीन चार रीजन है जिसके थ्रू ये ग्रोथ करवाता है। देखो पहले तो ये हड्डियों की ग्रोथ करवाएगा, ये क्या करवाएगा ये हड्डियों की ग्रोथ। देखो इसकी एक देखो एक ये लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, यही वाली होती है अपनी पूरी शरीर की, तो इसकी देखो कितनी बड़ी है, और इसकी देखो समझ रहे हो, तो ये इसकी इतनी बड़ी किसने करी, ग्रोथ हार्मोन ने, किसने करी ग्रोथ हार्मोन ने, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, ये सबसे बड़ा ये लड़का है अभी, ये दोनों बच्चे हैं, ये अभी दोनों क्या है ये बच्चे हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पिंग पिंग भी और ये सुल्तान कोसर भी, ठीक है, दोनों बच्चे हैं अभी, है ना। और इसमें अगर मैं बात करूं देखो ये क्या होता है सुनना, ओवर सीक्रेशन किसका ग्रोथ हार्मोन का, क्या होता है कई बार ये कई बार देखा होगा बच्चे इतने बड़े बड़े पैदा हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं, बच्चे क्या हो जाते हैं बड़े बड़े पैदा हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, आ रही बात समय में बिल्कुल ही, तो ये बच्चा नहीं है ये तो भूत लग रहा है ना। तो ये बहुत बड़े बड़े पैदा होते हैं, मतलब पैदे तो छोटे ही होते हैं लेकिन बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं ना, समझ रहे हो बात को। तो इसे क्या कहते हैं गिगेंटिज्म कहते हैं, इसे क्या कहते हैं गिगेंटिज्म कहते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ, क्या कहते हैं इसे एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है। और ठीक है अगर ये हार्मोन अगर ज्यादा रिलीज हो गया तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा गिगेंटिज्म, अगर ये हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया तो ये गिगेंटिज्म हो जाएगा, और अगर हार्मोन कम हो गया तो क्या प्रोड्यूस करेगा ड्वार्फिज्म, क्या प्रोड्यूस करेगा ये ड्वार्फिज्म, बोनापन, क्या बोनापन, क्योंकि इसकी जो हड्डियां हैं वहां तक हार्मोन उसको उन हड्डियों को हार्मोन ही नहीं मिल पाया क्योंकि बहुत कम मात्रा में रिलीज हुआ, तो इनकी हड्डियों को हार्मोन ही रिलीज नहीं हो पाया, ठीक है। जैसे इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड थी, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत ज्यादा हार्मोन निकला, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकला बहुत ज्यादा हार्मोन निकला, और जो है बकायदा इसकी हड्डियों पर गया और उसको वो जो है बड़ी करी हड्डियां, यहाँ पर तो बहुत छोट जरा सी पिट्यूटरी ग्लैंड ने जरा सा हार्मोन बनाया हड्डियों तक ही नहीं पहुंच पाया, वो इतना बहुत कम अमाउंट में सीक्रेट हुआ, तो बड़ी छोटी की छोटी रह गई हड्डियां, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, हाइपो यानी कम, हाइपर यानी तो ओवर यानी ज्यादा, है ना, ज्यादा सीक्रेशन होगा तो गिगेंटिज्म हो जाएगा और कम सीक्रेशन होगा तो ड्वार्फिज्म हो जाएगी, क्लियर है। तो देखो ये ग्रोथ हार्मोन करता क्या, कैसे कैसे है ये काम, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है सर बॉडी ग्रोथ करवाता है, बॉडी ग्रोथ बड़ी बड़ा टर्म है ये, बहुत लिखा बहुत आसानी से बॉडी ग्रोथ, तो बॉडी ग्रोथ में बहुत सारी चीजें आती हैं। देखो जैसे बॉडी ग्रोथ कैसे, एक तो ये क्या करेगा सबसे पहले बोन्स की लेंथ इंक्रीज कर देगा, क्या करेगा ये बोन्स की लेंथ इंक्रीज कर देगा, ठीक है सर ये बात समझ में आ गया। दूसरा ये क्या करेगा नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स क्या करेगा ये इंक्रीज कर देगा, क्या कर देगा ये इंक्रीज कर देगा, जब अंदर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो वैसे ही अब बड़ा आदमी हो जाएगा, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो ये क्या कैसे और कैसे ग्रोथ हो सकती है इसमें बताओ, एक तो बॉडी हो गई, एक बोन्स हो गई, एक सेल हो गई, ठीक है, और ये तीसरी तो क्या होता है जो अपन खाते हैं ना कार्बोहाइड्रेट वगैरह, कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन, ठीक है, इनको क्या करेगा डिपोजिट करवा देगा, क्या करवा देगा इनको डिपोजिट करा देगा, जो भी अपन खाना खाएंगे उसको अगर ये जमा कर देगा डिपोजिट करा देगा तो अपन वैसे ही भूलते जाएंगे बड़े होते जाएंगे, है ना। और अगर जो है ये निकलवा ही देगा रिलीज करवा देगा तो वो खाना वेस्ट हो जाएगा रिलीज हो जाएगा फालतू का, समझ रहे हो बात को, तो इससे क्या करवाता है ये डिपोजिट करा देता है। तो इन तीनों ही तरीके से क्या होती है बॉडी ग्रोथ होती है, तो इतनी छोटा वर्ड लिख दिया उसने बॉडी ग्रोथ, है ना, लेकिन अपन को समझना पड़ा कि कैसे हो रही है बॉडी ग्रोथ। एक तो जो अपने जो बोन्स हैं उसकी लेंथ इंक्रीज होना, दूसरा सेल्स के नंबर इंक्रीज हो जाना, और तीसरा ये जो कार्बोहाइड्रेट फैट है वो जमा हो जाना, जब जमा होगा तो अपने आप क्या होगी ग्रोथ होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो ये इस छोटे से वर्ड का अर्थ समझ गए होगे आप, है ना। चलो अब दूसरी बात, ये है बच्चे थे वो, क्या थे वो बच्चे थे, अब बड़ों में देख रहे हैं, क्या देखते हैं
बड़ों में जो है अगर ज्यादा सीक्रेट हो गया, ओवर मतलब ज्यादा, क्या सीक्रेट हो गया ज्यादा, ग्रोथ हार्मोन, कौन ग्रोथ हार्मोन है ना, जब ज्यादा सीक्रेट हो जाएगा तो क्या कॉज करेगा, एक्रोमेगेली, क्या कॉज करेगा, एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली मतलब इसमें सिंपल ये बात ध्यान रखो, मेरे को याद, मेरा याद करने का तरीका ऐसे था कि वो बन जाएगा गोरिल्ला, क्या बन जाएगा, अगर बड़ा आदमी है, कोई बड़ा हो गया है ना, और है ना बड़े में क्या हुआ, सब सही था, नॉर्मल था है ना, लेकिन एकदम से जो है पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या सीक्रेट कर दिया, ज्यादा ग्रोथ हार्मोन। अब भैया ग्रोथ हार्मोन उसको हड्डियां बढ़वानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें पता होगा कि 25 साल के बाद जो है हड्डियों की ग्रोथ नहीं होती, पता है बात, तो बड़े नहीं होती यहाँ, बड़ी नहीं होती हड्डियां 25 साल के बाद, समझ रहे हो बात को, तो ये बात ध्यान में रखना। अब वो लेंथ में तो इंक्रीज नहीं हो सकता, यहाँ पर तो क्या था, बिल्कुल ही लेंथ में इंक्रीज हो गया एकदम ही, डायरेक्ट सारी बच्चा था, बच्चे को सीधे बोन्स पर हुआ और बोन्स इंक्रीज हो गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है बोन्स इंक्रीज नहीं हुई है, यहाँ पर हाइट सेम रहेगी क्योंकि ये बड़ों में हो रही है, किस में हो रही है, बड़ों में हो रही है, तो ये लिखा भी होगा कहीं, तो ये बात ध्यान रखना, ये बड़ों में होती है, मिडिल एज लिखा हुआ है, मेनली अडल्ट, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है, अडल्ट में होती है ये एक्रोमेगेली। इसमें क्या आदमी बन जाता है, गोरिल्ला जैसा। गोरिल्ला में क्या होता है बताओ, गोरिल्ला में एक तो जबड़ा जो होता है बड़ा सा हो जाता है, गोरिल्ला का जबड़ा क्या होता है बड़ा, और दूसरा फिर वो कैसे उसके जो हाथ होते हैं वो पैर के जितने आने लगते हैं, पैर के जितने हाथ आने लगते हैं ना, समझ रहे हो बात को, पैर के जितने आने लगते हैं गोरिल्ला जैसे, हाथ बड़े हो जाते हैं ना गोरिल्ला के भी, तो इसका भी ऐसे ही होगा, हाइट कम रहेगी, हाथ जो होंगे वो बड़े हो जाएंगे, और हाथ बड़े हो जाएंगे और मुंह जो होगा वो किसकी तरह से आ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा, देख रहे हो मुंह कितना खतरनाक हो गया इसका, तो ये डिसफिगरमेंट हो जाएगी, किसका, किसकी, फेस की, फेस की क्या हो गई, ये डिसफिगरमेंट, देख रहे हो इतना मोटा, इतना मोटा मुंह, इतना मोटा मुंह, ये तो समझ लो ऑस्वाल्ड टाइप का बन जाएगा, इतना मोटा मुंह हो जाएगा उसका, समझ लो बात को, इससे ये भी और ज्यादा मोटा है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, तो ये जो है बड़ों में होती है, तो आपने सोचा इसको हम डिटेक्ट कर लें जल्दी, तो आप, ये डिफिकल्ट होता है इसको डिटेक्ट करना भी, डायग्नोस करना भी डिफिकल्ट होता है, क्या होता है इसको डायग्नोस करना भी क्या होता है, डिफिकल्ट होना है, होता है, ये बात ध्यान रखना, और उसको पहचानने में ही जो है डिटेक्ट करने में ही महीने बहुत सारे सालों लग जाते हैं कि बीमारी यही है, ग्रोथ हार्मोन की दिक्कत आ रही है, समझ पा रहे हो, कौन ऐसा सोचेगा कि इसका मोटा चेहरा हो गया तो कौन ऐसा सोचेगा ग्रोथ हार्मोन में प्रॉब्लम है, चलो यहाँ पर तो फिर भी जो है ये तुम्हें लग भी रहा होगा कि यहाँ पर जो है सही में ग्रोथ हार्मोन में पकड़े, कुछ ज्यादा ही ग्रोथ हो गई, समझ लो बात को, तो लेकिन यहाँ पर जो है बड़ा डिटेक्ट करना बड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, चलो अब अपन क्या पढ़ेंगे, सेकंड, सेकंड क्या था, प्रोलैक्टिन, पतली, पी फॉर प्रोलैक्टिन है ना, तो प्रोलैक्टिन क्या करता है, सीधी सी बात है ये प्रोलैक्टिन जो है मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं, क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं, ठीक है, इनमें क्या करता है, इनमें मैंने आपको बताया था एलुलाई होते हैं, क्या होते हैं, एलुलाई, ठीक है, ये इनमें एलुलाई होते हैं, और ये जो एलुलाई होते हैं, ठीक है, ये जो एलुलाई होते हैं उनमें क्या करवाता है, ये उनमें जो है ज्यादा से ज्यादा मिल्क बनवाता है, उनके अंदर क्या बनवाता है, ज्यादा से ज्यादा क्या बनवाएगा, मिल्क ज्यादा से ज्यादा बनवाएगा, समझ पा रहे हो ये बात, तो ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, किसमें, किसमें मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, मेमरी ग्लैंड में भी, कहां पर, एलुलाई के अंदर, कहां पर, एलुलाई के अंदर, आई बात समझ में, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी ग्लैंड्स का साइज इंक्रीज करने में, मेमोरी ग्लैंड का क्या इंक्रीज करने में, साइज इंक्रीज करने में, या कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोलैक्टिन, ये जो साइज है कैसे, कौन इंक्रीज करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अच्छा एलोलाई का नंबर कौन बढ़वा रहा था, कोई याद है, एलोलाई का नंबर कौन बढ़वा रहा था, ऐसा कौन सा हार्मोन था जो ये जो है गुच्छे हैं ये सेल जो है उनका नंबर बढ़वा रहा था, कोई है याद है, प्रोजेस्ट्रॉन, क्या था, कौन सा था हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन, आई बात समझ में, कल ही बताया, अब जो है साइज इंक्रीज करना और मिल्क प्रोडक्शन करवाना, ये हो गया, अब अपन पढ़ेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो हार्मोन है वो किसको स्टिमुलेट कर रहा है, किसको स्टिमुलेट कर रहा है, थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ये तुम्हारा एक्चुअल में क्या होता है, मैं तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ये आपका क्या होता है, हाइपोथैलेमस, ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है,
ठीक है। यही ये वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको, है ना, अभी, है ना। तो अभी बस इतना याद रखो कि ये कैसे करेगा काम, कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, अभी पिट्यूटरी से याद रखो, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करेगा, ब्लड से होता हुआ जाएगा, और ब्लड से होता हुआ कहाँ ट्रेवल करेगा, ये कहाँ ट्रेवल करेगा, थायराइड ग्लैंड पर। कहाँ पर ट्रेवल करेगा, ये थायराइड ग्लैंड पर, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड पर ट्रेवल करेगा, और थायराइड ग्लैंड में ट्रेवल करने के बाद, ठीक है, ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड में ट्रेवल करने के बाद वो क्या रिलीज करवाएगा थायराइड ग्लैंड से, थायरोक्सिन रिलीज करवाएगा। क्या रिलीज करवाएगा, थायरोक्सिन। आई बात समझ में? तो ये कहां से निकला, पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी से भी कौन से पार्ट से, एंटीरियर की पोस्टीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन सी, अरे भैया पोस्टीरियर से तो सिर्फ दो ही हार्मोन थे, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, है ना। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज निकल, क्या रिलीज हुआ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या रिलीज हुआ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा वो क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, नाम से समझ आ रहा है, थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करके क्या, स्टिमुलेट होकर के थायराइड क्या बनाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन बनाएगा। तो एक 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 ग्लैंड हार्मोन रिलीज कर रहा है, दूसरे ग्लैंड से हार्मोन रिलीज करवा रहा है। एक ग्लैंड हार्मोन रिलीज कर रहा है ताकि दूसरे ग्लैंड से एक और हार्मोन रिलीज करवा सके। तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, समझ पा रहे हो ये बात। ये देखो, तो ये बात ध्यान रखना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको एक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करता है। किसको पर एक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करता है, ठीक है। और हम बात करते हैं एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन की, किसकी, एड्रिनोकॉर्टिक, ACTH, ठीक है। ये क्या करेगा, देखो ये देखो, एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर। कौन सी ग्लैंड मिलेगी, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, किडनी के जस्ट ऊपर मिलेगी। नाम ही इसका एड्रिनल क्यों रखा है पता है आपको, ये बात ध्यान रखना, बता देता हूँ। ये जो है, जैसे मान के चलो ये किडनी है, लग रहा है बर्थडे पार्टी हो रही है किडनी की, तो ये जैसे जो है ये किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, क्या नाम है, एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनल। रीनल जो वर्ड होता है वो किडनी के लिए से ही रिलेटेड होता है, और एड मतलब एडजेसेंट। तो ये जो ग्लैंड मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, किडनी के बगल में ही मिलेगा, किडनी के पास में ही मिलेगा। ये किडनी के पास में कौन सा ग्लैंड मिलेगा, एड्रिनल ग्लैंड। अभी एड्रिनल ग्लैंड भाई साहब क्या रिलीज करवाएगा, ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड जो है क्या रिलीज करवाएगा, एड्रिनल हॉर्मोन्स रिलीज करवाएगा, कॉर्टिकॉइड्स। क्या ये कॉर्टिकॉइड्स, इसके हॉर्मोन का नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड के हॉर्मोन का नाम क्या है, कॉर्टिकॉइड्स हॉर्मोन, कॉर्टिकॉइड्स हॉर्मोन। कौन रिलीज करवाएगा, एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करेगा। लेकिन जो है इस, ये सबसे पहले जो होती है ना, एक मास्टर ग्लैंड होती है। सुनो, एक मास्टर क्या करता है, ठीक है, एक मास्टर कभी भी खुद पेपर देने नहीं जाता। मास्टर क्या करता है, कभी खुद पेपर देने जाता है क्या, तुम्हारी जगह मैं पेपर दे आऊंगा, ऐसा होता है क्या। मास्टर ग्लैंड क्या करता है, मास्टर क्या करता है कि दूसरे को क्या करता है, पढ़ाता है, दूसरे को प्रोत्साहित करता है कि तुम कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। और जो है वो ही पेपर देता है, खुद मास्टर थोड़ी करता है। तो एक मास्टर ग्लैंड का नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का नाम क्या है, ये क्या रिलीज करेगा, हॉर्मोन। क्या करेगा ये किसको एक्टिवेट, मास्टर किसको एक्टिवेट करेगा, अपने स्टूडेंट को, ठीक है। तो इसने हॉर्मोन रिलीज किया, और ये जो है ACTH, इसने क्या किया, अपने स्टूडेंट को क्या कर दिया, एक्टिवेट। और फिर वो एक्टिवेट होकर के उसने काम किया, क्या काम किया, दूसरा हार्मोन निकाला, कौन सा, कॉर्टिकॉइड हार्मोन। आई बात समझ में, क्लियर है, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनना ढंग से, यहां पर ही इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से बताऊं। जैसे आपने एंटीरियर पिट्यूटरी देखी ना, अब मैं इसके ऊपर जो है एक और बनाना चाह रहा हूं, हाइपोथैलेमस। क्या बना रहा हूं, इसके ऊपर ही क्या होता है, पिट्यूटरी के ऊपर ही क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है ना, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो होता है, वो हाइपोथैलेमस जो होता है वो जो है मास्टर का, मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो मास्टर का भी मास्टर जो हो रखा है, ठीक है, वो कौन हो रखा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। वो मास्टर का भी मास्टर है भाई साहब, हरी बात समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना,
ठीक है, सबसे बड़ा मास्टर है ये, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस पहले पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है कि भैया तू एक काम कर, जैसे हमसे क्या रिलीज करवाना है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है पहले तो ये देखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है, एंटीपिट्यूटरी। अब इस एंटीपिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाना है, टीएसएच रिलीज करवाना है, तो एक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज किया जाएगा, एक रिलीजिंग फैक्टर जो है वो डालेगा, क्या नाम होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। वो फैक्टर जो होगा क्या करवाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या करवाएगा, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन रिलीज करवाएगा। आई बात समझ में, क्लियर आई बात समझ में, हाइपोथैलेमस से निकलेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, वो जो रिलीजिंग फैक्टर होगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाएगा और क्या रिलीज करवाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होगा ये फिर थायराइड पे जाएगा और क्या रिलीज करेगा, थायरोक्सिन। ऐसा ही सेम टू सेम केस यहां पर होगा, यहां पर ये जो है ये क्या रिलीज कर रहा है, ये क्या रिलीज कर रहा है, ये बताओ, ACTH रिलीज कर रहा है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है ये, ठीक है, क्या रिलीज कर रहा है, ACTH। अब ACTH रिलीजिंग फैक्टर क्या बेटा, ACTH रिलीजिंग फैक्टर कौन कौन रिलीज करेगा, कौन बनाएगा, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस क्या बनाएगा, जो सबका जो ये जो है मास्टर हो रखा है, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा ACTH, ये बनाएगा ACTH, बस RF और डाल दो, ACTH रिलीज कर रहा है ना, यहाँ पर बस RF और डाल दो, बस उसका हाइपोथैलेमस का हार्मोन बन जाएगा। अरे तुम्हें एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन जो है तुम्हें पता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस का पता लगाना है, वो तो याद कर, ACTH तो याद हो ही जाएगा ना वो ट्रिक से, तुम्हें हाइपोथैलेमस का बनाना है तो क्या करोगे, RF लगा दो बस, रिलीजिंग फैक्टर। अब ये जो है सीधा जो है इस पे जाएगा, ये इस पर गया और ये जो है इससे ACTH बनवाया, ACTH से इसने एड्रिनल कॉर्ड ग्लैंड पर गया और एड्रिनल ग्लैंड जो होगा ये कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करा देगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, देखो तो ये बात ध्यान रखना, ये मास्टर ग्लैंड है और ये मास्टर का भी मास्टर है, ये मास्टर ग्लैंड है एंटीरियर पिट्यूटरी या पिट्यूटरी ग्लैंड, ये मास्टर का भी मास्टर है, ये जो है मास्टर का भी मास्टर क्या करेगा, ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर निकालेगा, क्या निकालेगा, रिलीजिंग फैक्टर निकालेगा और वो क्या करेगा, ACTH से क्या करवाएगा, रिलीज करवाएगा, पिट्यूटरी से क्या करवाएगा, ACTH रिलीज करवाएगा और फिर वो जो हार्मोन होगा वो हार्मोन कहां पर जाएगा, ग्लैंड के पास जाएगा और फिर वो ग्लैंड भी क्या निकालेंगे, हार्मोन निकालेंगे। आई बात समझ में, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलता रहता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा इसमें और एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे ये क्या है, हाइपोथैलेमस है, दिख रहा है आपको हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस जो है यहाँ पर इसके जो है ये हाइपोथैलेमस क्या बनाता है, जैसे मैं थायराइड को लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, टीएसएच को लेकर चल रहा हूँ, क्या लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, या फिर जीएच को लेकर चल रहा हूँ, जीएच का नहीं लिया ना, तो जीएच को लेकर के चल रहा हूँ, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, किसको, ग्रोथ हार्मोन को लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ठीक है, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कौन बनाएगा, हाइपोथैलेमस, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर बनाया उसने और फिर जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कहाँ डाल दिया उसने, एंटीरियर पिट्यूटरी में डाल दिया, कहाँ डाल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी में डाल दिया और एंटीरियर पिट्यूटरी में डालने के बाद, एंटीरियर पिट्यूटरी में वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर डालने के बाद क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज कर देगी, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर देगी, क्या रिलीज कर देगी, ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर देगी। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये तो हो गया रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है, ये क्या हो गया, रिलीजिंग फैक्टर। अब जो है कई बार मान के चलो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो वो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, इनहिबिटरी फैक्टर भी रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, इनहिबिटरी फैक्टर, ठीक है, इनहिबिटरी फैक्टर यहां लिख दो जी, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज कर देगा, क्या रिलीज कर देगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर रिलीज कर देगा और फिर वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को मना कर देगा कि भैया ग्रोथ हार्मोन मत रिलीज करो, क्या करेगा ये, मना रिलीज करने से ही मना कर देगा, क्या कर देगा ये, रिलीज करने से ही क्या कर देगा, मना कर देगा, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, ये बात समझ में आई। अगर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर जाएगा, ठीक है, पिट्यूटरी पर, तो फिर वो क्या होगा,
कुछ भी रिलीज नहीं करवाएगा, ठीक है, जो भी रिलीज हो रहा होगा ना उसको बंद करवा देगा। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से बंद कराने वाला कौन होगा? इनहिबिटरी फैक्टर। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो रिलीजिंग फैक्टर क्या करवा रहा है? रिलीज करवा रहा है। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर निकलेगा, वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा, और हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी फैक्टर निकलेगा, वो क्या करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन को निकलने से इनहिबिट करेगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? चलो, तो ये बात ध्यान रखना। अब जो मैंने आपको ये बात बताया है ना, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर ऐसे ही जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग जो ये जो होता है ना आपका थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ठीक है, जैसे इनहिबिटिंग फैक्टर होते हैं ना, ठीक है, वैसे ही सब हॉर्मोन्स के लिए इनहिबिटिंग फैक्टर भी निकलते हैं। ऐसे जैसे रिलीजिंग फैक्टर निकल रहे हैं ना, वैसे इनहिबिटिंग फैक्टर भी निकलते हैं। लेकिन जो ग्रोथ हार्मोन जो का जो इनहिबिटिंग फैक्टर है उसका एक नाम जो है रखा गया है, और वो आपकी बुक में भी दिया गया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यही वाला एग्जांपल लिया है। उस हार्मोन का नाम जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर है उसका नाम है सोमेटोस्टैटिन। क्या नाम है? सोमेटोस्टैटिन, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। इसका खास नाम रखा है, क्या नाम रखा है इसका? खास इसका ये नाम रखा गया है, ठीक है, सोमेटोस्टैटिन। सर, इसका नाम सोमेटोस्टैटिन क्यों रखा गया? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को हम जो है, याद करो, हम ग्रोथ हार्मोन को हम ये भी कह रहे थे, देखो आपने देखा होगा, ये सोमेटोट्रोपिन कह रहे थे, ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिन भी कह रहे थे। तो सोमेटोट्रोपिन कहो या ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से कौन रोकता है? सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? साफ साफ समझ में आ रहा है? स्टैटिन रोकने वाला, सोमेटो को रोकने वाला, मतलब जो ग्रोथ हार्मोन है उसको रोकने वाला है ना, ठीक है ना, साफ साफ आपको समझ में भी आ रहा है? सोमेटो स्टैटिन, स्टैटिन मतलब रोकने वाला यार, इनहिबिटिंग फैक्टर रोकने वाला या इनहिबिटिंग फैक्टर है ये। ठीक है, और सोमेटो मतलब सोमेटो, सोमेटोट्रोपिन, ठीक है, क्लियर है? देखो हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये कहां प्रेजेंट होता है? पिट्यूटरी के ऊपर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? पिट्यूटरी के ऊपर प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, है ना, और ठीक है, थैलेमस के नीचे। नाम कैसे पड़ा इसका? हाइपोथैलेमस। पता है नाम इसका हाइपोथैलेमस क्यों पड़ा? क्योंकि इसके ऊपर एक थैलेमस होता है, इसके ऊपर क्या होता है? एक थैलेमस होता है, ठीक है, और थैलेमस के जो, थैलेमस के जो नीचे होगा उसे क्या कहेंगे? हाइपोथैलेमस। समझ पा रहे हो? थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ पा रहे हो ये बात? ये क्या हो गई? पिट्यूटरी ग्लैंड। आई बात समझ में? तो ये सिस्टम चलता है, सबसे पहले थैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी के भी दो पार्ट, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर और ये कितने निकालता है? एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पीपी, और ये एपी एंटीरियर। ये कितने निकालता है? सात, और ये दो हार्मोन निकालता है। क्लियर है? हो रहा है सब कुछ क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से, अगर मैं डिटेल में करूं तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ये जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये क्या रिलीज करता है? एक तो रिलीज करता है आपके रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर, जैसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? रिलीजिंग हार्मोन या फिर रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। और एक और क्या रिलीज करता है? इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करता है। एक क्या रिलीज करता है? इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करता है। और ये क्या रिलीज करता है? देखो कैसे काम होता है, ये कैसे रिलीज करता है वो अपन देखते हैं, कैसे रिलीज करता है। ये हाइपोथैलेमस है, क्या ये हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं? इन न्यूरॉन्स को कहते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। क्या कहते हैं न्यूरॉन्स को? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये कहां मिल रहे हैं? हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं। कहां पर? हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है ना ये वाले न्यूरॉन्स, तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स कहेंगे। कोई दिक्कत? सिंपल तो है, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट वाले न्यूरॉन्स को हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स कहेंगे। अब ये जो न्यूरॉन्स होता है ना, इनके अंदर ही बनता है, क्या बनता है? इन्हीं के अंदर जो है हॉर्मोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? हॉर्मोन्स बनते हैं, ठीक है। अब
क्या होता है कि ये जो हाइपोथैलेमस है उसने हार्मोन बनाया, और हार्मोन कहाँ डाल दिया, ब्लड में, कहाँ डाल दिया, ब्लड में, तो ये है ब्लड, ठीक है, ये क्या है, ब्लड है ये, ठीक है, ब्लड में, ब्लड भी कैसा, डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड भी कैसा है ये, डीऑक्सीजनेटेड है ये, ठीक है, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा पूरा का पूरा, है ना, ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, तो इसने क्या जो भी हार्मोन होगा वो इसमें डाल देगा, और फिर यहां से यहां पहुंच जाएगा, और फिर यहां से बाहर निकल आएगा, यहां से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा ऐसे हार्मोन, समझ लो बात को, यहां से बाहर निकला, यहां से ऐसे निकल के ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, तो ये ब्लड में डाला इसने, हाइपोथैलेमस ने यहां पर कहां डाला, ब्लड में डाला, ठीक है, और या फिर एक सिस्टम होता है ये, जिसे कहते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, क्या कहते हैं इसे, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, इस सिस्टम अलग से ही नहीं दिख रहा तुम्हें, दिख रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, पोर्टल सिस्टम कहते हैं, और हाइपोफाइसिस ये हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, तो हाइपो क्या कहेंगे, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम कहलाया जाता है ये, समझ पा रहे हो ये बात, ये बुक में डायग्राम है तुम्हारे, तो ये वाला जो एंटीरियर पिट्यूटरी में जो भी हार्मोन पहुंच रहा है किसके थ्रू पहुंच रहा है, ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू पहुंच रहा है, इसने ब्लड में डाला और फिर ब्लड से जो है बाहर निकला हार्मोन, समझ रहे हो, एंटीरियर पिट्यूटरी में कैसे होता है, ब्लड के थ्रू, इसने ब्लड में डाला हार्मोन, ये ब्लड है, और फिर ब्लड से हार्मोन निकला, ये ब्लड का जो सिस्टम है, ठीक है, ऐसे ही अपन क्या कहते हैं, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, ये यहां पर कोई ब्लड नहीं है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या नहीं है, और जो भी हार्मोन यहां बनेगा हाइपोथैलेमस में बना, कहां पर है ये, हाइपोथैलेमस, जो भी हार्मोन बना वो डायरेक्टली जो है इस न्यूरॉन्स के थ्रू ही कहां पहुंच रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में निकल रहा है, और फिर यहीं से निकल जाएगा ये, यहीं से क्या हो जाएगा, ये रिलीज कर दिया जाएगा, समझ पा रहे हो ये बात, तो अगर आपसे पूछे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन बन रहे हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में जो है कौन बना रहा है, एक्चुअल में वो किसके हार्मोन है, वो हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाए जा रहे हैं ये हार्मोन, क्या हो रहे हैं, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ये हार्मोन बनाए जा रहे हैं, ये देख रहे हो, तो ये सीधे ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट हुए, क्या हुए, ये बने ये हाइपोथैलेमस में ही है, आपसे पूछे ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, या फिर वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम ADH, आपसे पूछा जाए ऑक्सीटोसिन और ADH कहां बने हैं, तो आप क्या बोलोगे, हाइपोथैलेमस में, ठीक है, और यहां पर किस, ये जो वैसे इस न्यूरॉन्स के थ्रू क्या हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, बस पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो बस उसको रिलीज कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको रिलीज कर देगा बस हॉर्मोन्स को, अभी बस समझ में, जबकि यहां पर क्या चल रहा है, बकायदा ब्लड में जा रहे हैं हॉर्मोन्स, ब्लड में जाने के बाद जो है बन रहे हैं, यहां पर बन, ब्लड में जाने के बाद फिर यहां पर आए, फिर यहां से रिलीज हुए, समझ पा रहे हो ये बात, तो यहां पर ये प्रोसेस चल रहा है, इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, क्या कहते हैं, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, अच्छा बताओ हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम एंटीरियर पिट्यूटरी में है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एंटीरियर पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम नहीं है, वहां पर हाइपोथैलेमस और जो वो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थ्रू अ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, थ्रू अ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, क्लियर है, अब जो है ये अपन ने पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन पढ़ेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मैं ये क्या बताइए, बताओ जरा ये क्या है, ओवरी है, क्या ये ओवरी, मैंने तुम्हें बताया था पहले छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं, फिर फॉलिकल बड़े होते जाते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, तो ये फॉलिकल जो बड़े हो रहे हैं, ये छोटे से इतने बड़े फॉलिकल हो गए, फिर और बड़े, फिर और बड़े, ठीक है, फिर और बड़े, तो ये किसकी वजह से हुए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, किसकी वजह से हुए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ये बड़े हुए, ठीक है, अब ये फॉलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ना, ये फॉलिकल बड़े होंगे तो क्या होगा, अंडा जो होगा वो बने, अंडा भी बनेगा, क्या बनेगा, फॉलिकल बड़े होंगे तो अंडा भी तो बड़ा होगा अंदर का, अंडा भी तो मैच्योर होगा, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तुम बस ये याद रखो, बार बार मैं भी भूल जाता था, रियलिटी बताऊं, जब मैं 11th में था तब मैं भी भूल जाता था, ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, मेल में क्या करवाएगा, ओवा बनाएगा, क्या बनवाएगा ये, सॉरी स्पर्म बनवाएगा, क्या बनवाएगा ये, स्पर्म फॉर्म करेगा, ठीक है, हरिया सर में, और फीमेल में क्या करेगा, फीमेल में क्या करेगा, ओवा बना देगा, क्या बना देगा, ये ओवा बना देगा,
ठीक है, बस मेल में तो डायरेक्ट स्पर्म फॉर्म करेगा, ठीक है, लेकिन फीमेल में ओवा बनाने के लिए उसको क्या करवाना पड़ेगा, जो फॉलिकल्स है ना बड़े बड़े, जो ये तो ओवा उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके जो फॉलिकल्स है ना ये, इनको भी बड़ा करना पड़ेगा, इनके फॉलिकल्स को भी क्या करना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो ब्लू कलर का अंडा है वो रिलीज हो पाएगा। यहां पर क्या हुआ, ये फॉलिकल्स बड़े हो गए, किसने करवाया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने, ठीक है, फॉलिकल बड़ा करवाया, अंडा भी बड़ा करवाया, ठीक है, तो ये ओवा फॉर्म करवाया, किसने ओवा फॉर्म करवाया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने, क्लियर है। तो लिखा हुआ है मेल में क्या करवाएगा, सर आपका माइक ऑफ है, तो ये बात ध्यान रखना, समझ आ गई बात, क्लियर। तो मेल में स्पर्म को फॉर्म कराना, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, ठीक है, बढ़िया। अच्छा देखो, तो स्पर्मेटो में क्या मतलब होता है, स्पर्म, और जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना, जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, ठीक है। और ऐसे ही इसको आप ये भी कह सकते हो, ऊजेनेसिस में कौन हेल्प करता है, FSH, U मतलब एग या फिर ओवा, है ना, एग या फिर ओवा, और जेनेसिस मतलब, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये बात ध्यान में रखना, एग का फॉर्मेशन भी कौन हेल्प कर रहा है, FSH हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो गैमिट बनवाता है, सीधी बात, FSH क्या करता है, गैमिट बनवाता है, मेल में भी और फीमेल में भी। अब ये LH जो होता है, ये जो होता है किसमें पाया जाता है, ये फीमेल में, और मेल में इसका नाम क्या हो जाता है, याद है, ठीक है, ये किसमें पाया जाता है, फीमेल में, और मेल में इसी का नाम क्या रखते हैं अपन, ICSH, ठीक है, किसमें रखते हैं ये नाम, मेल में। आ रही बात समझ में, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये जो हार्मोन होता है ना, ये हार्मोन रिलीज करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करवाता है, हार्मोन रिलीज करवाता है, ठीक है। मेल से क्या रिलीज करवाएगा, ये एस्ट्रोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करवाएगा, ठीक है, और फीमेल से क्या करवाएगा, ये प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह हार्मोन रिलीज करवाएगा, समझ पा रहे हो ये बात। तो ये क्या करता है, इस तरीके से जो भी, जैसे ये क्या करवाएगा, देखो एंड्रोजन्स को क्या करवाएगा, रिलीज करवाएगा, किससे, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है रिलीज करवाएगा, कहां से, टेस्टिस से, कहां से, टेस्टिस से, और क्या करवाएगा, यहां पर ये अंडा भी रिलीज करवाएगा, क्या करवाएगा, ये अंडा, उसे कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। ये देखो, ये बनवा रहा था, FSH क्या कर रहा था, अंडे को बनवा रहा था, FSH ने क्या काम किया, यहां तक FSH ने काम किया, यहां पर यहां तक किसने काम किया, FSH ने काम किया, इस अंडे को बनवाया, क्या किया, ये जो गोलू गोलू ब्लू कलर का जो अंडा है ना यहाँ पर, ठीक है, उसको ये बनवाया उसने, क्या किया उसने, बनवाया, और ये जो ऊपर जो फॉलिकल है, इसको, इसके जो फॉलिकल है उसको भी बनवाया, है ना, इसके ऊपर जो फॉलिकल है उसको भी बनवाया, है ना, समझ पा रहे हो। लेकिन उस रिलीज किसने करवाया, यहाँ रिलीज किसने करवाया, अब आएगी कहानी LH की, इसके नीचे जो भी कहानी होगी वो किसकी होगी, LH की होगी, किसकी होगी, LH की, ठीक है। LH क्या करवाएगा, अंडा रिलीज करवा देगा, क्या करवा देगा, अंडा रिलीज करवा देगा, ये जो ब्लू कलर का जो अंडा है ना, ये जो ब्लू कलर का जो अंडा है वो क्या करवा देगा, ये रिलीज करवा देगा, ठीक है, क्या करवा देगा, रिलीज करवा देगा, समझ पा रहे हो। अंडा रिलीज हो गया, तो ये मैंने तुम्हें बताया था, ये जो येलो कलर का ये जो फॉलिकल है, ठीक है, ये जो फॉलिकल है वाला, ये जो है ऐसे गोल गोल दोबारा से जुड़ जाता है, अंडा तो निकल गया, तो ये खाली रहेगा, क्या रहेगा, खाली रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बन जाएगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बन जाएगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, बताया था मैंने आपको, याद है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी कौन करेगा, इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन भी कौन करेगा, LH करेगा, मतलब नीचे की जो भी कहानी होगी वो किसकी होगी, LH की होगी, इसके नीचे जो भी कहानी अपन ने पढ़ी थी वो LH की होगी, ऊपर फॉलिकल वगैरह बनवाना किसका काम था, FSH का, क्लियर है, ऊपर का FSH का काम, नीचे जो है फॉलिकल, ये फॉलिकल बनवा रहा था, अंडा बनवा रहा था, ब्लू कलर का अंडा बनवा रहा था, फॉलिकल बनवा रहा था, इसने अंडा फिर रिलीज करवाया, किसने रिलीज करवाया, LH ने, ठीक है, LH ने क्या करवाया, अंडे को रिलीज करवाया, ठीक है, ओव्यूलेशन होता है, उसे क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, अंडा रिलीज, एग रिलीज, या फिर ओवा रिलीज, क्या कहते हैं, ओवा रिलीज। तो ओवा रिलीज किसने करवाया,
LH ने, और फिर ओवर रिलीज होने के बाद जो फॉलिकल थे, जो फॉलिकल था उसको दोबारा से बनाया, और फिर बना करके क्या बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर उसको क्या रखा, मेंटेन रखा, क्या रखा, मेंटेन रखा, क्योंकि इसके बाद तो कोई और हार्मोन आना नहीं है, तो उसको क्या रखा, मेंटेन रखा। और जब ये मेंटेन होगा ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये वाला ये कॉर्पस ल्यूटियम भी एक हार्मोन रिलीज करेगा, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, याद है, कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन, याद है। तो ये बात ध्यान रखना। अब अपन क्या पढ़ेंगे, पार्स इंटरमीडिया, क्या पढ़ेंगे बेटा, पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया जो है ये है पार्स इंटरमीडिया, बीच में, किसके बीच में है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में कौन है, पार्स इंटरमीडिया, बीच में, इंटर मतलब बीच में, इंटर मतलब बीच में। अब ये जो है ना पार्स इंटरमीडिया, ये क्या करवाता है, ये जो है ये मेलानोसाइट, ये रिलीज करता है MSH, क्या रिलीज करता है, MSH मतलब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पर एक्ट करता है, स्किन पर, कहां पर, स्किन, ये स्किन है, क्या ये स्किन में होते हैं मेलानोसाइट्स, क्या होते हैं ये जो है, ये क्या है, ये मेलानोसाइट्स है, ये क्या है, ये मेलानोसाइट्स, स्किन में क्या है, ये मेलानोसाइट्स, ये रहा स्किन, ठीक है, ये स्किन है, ये स्किन में क्या है, ये मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट पर कौन गया, MSH, कहां से गया, कहां से गया, पार्स इंटरमीडिया से, पार्स इंटरमीडिया से MSH गया मेलानोसाइट पर, और मेलानोसाइट से जो है, मेलानोसाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनसे जो है मेलानिन रिलीज करवाया, क्या रिलीज करवाया, मेलानिन रिलीज करवाया, मेलानिन, और मेलानिन की वजह से क्या होगा, पिगमेंटेशन होगी, क्या होगी, जो स्किन का कलर है ना येलो येलो, वो किसकी वजह से है, मेलानिन पिगमेंट की वजह से है, किसकी वजह से है, मेलानिन पिगमेंट की वजह से। और मेलानिन किस, जो पिगमेंट है, मेलानिन पिगमेंट जो है वो किसने बनवाई है, मेलानिन पिगमेंट जो है ये किसने बनवाई है, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने, किसने बनवाई है, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये MSH है ये, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ये पार्स इंटरमीडिया, इससे MSH निकला, ठीक है, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकला, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा, साफ साफ समझ में आ रहा है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करेगा, भाई स्टिमुलेट करके क्या करेगा, उससे हार्मोन रिलीज करवाएगा, कौन सा, या हार्मोन सॉरी पिगमेंट रिलीज करवाएगा, कौन सी, मेलानिन पिगमेंट, और मेलानिन पिगमेंट से क्या होगी, कलर आएगा, क्या आएगा, ये जो कलर है ना स्किन कलर, वो सारा का सारा किसकी वजह से है, ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, जो कि कौन रिलीज कर रहा है, पार्स इंटरमीडिया, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन पढ़ रहे हैं, कौन सा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन क्या था, दो हार्मोन थे, एक ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन, और वैसोप्रेसिन का नाम क्या था, ADH, ठीक है, एक ही बात है ना। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, ठीक है, मैंने आपको बताया था डायरेक्टली, है ना। तो आप ये देखो, ये क्या है, ये यूट्रस, क्या है ये यूट्रस जो होता है उसमें बच्चा होता है, यूट्रस पे क्या होता है, सर पेट में होता है ना बच्चा, तो पेट में बच्चा होता तो ऐसे ऐसे मर जाता, पेट में थोड़ी होता है बच्चा, बच्चा कहाँ होता है, बच्चेदानी में, बच्चेदानी को क्या कहते हैं अपन, ये जो देख पा रहे हो वाला, ये देख रहे हो वाला स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं बच्चेदानी या फिर यूट्रस, क्या कहते हैं इसे, यूट्रस। और ये जो लाल लाल देख रहे हो, ये लाल लाल क्या है, यूट्रस की वॉल है ये, क्या है ये, यूट्रस की वॉल, ये जो ये लाल लाल देख रहे हो ना, ये यूट्रस की वॉल है ये, चलो इधर देखो, ये यूट्रस की वॉल है ये, क्या है ये, यूट्रस की वॉल है ना। तो ये जो यूट्रस की वॉल है उसको क्या करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, बच्चेदानी को क्या करवाएगा, ये बच्चेदानी है, ये इसमें बच्चा है, ये रहा बच्चा,
ये बच्चेदानी है, ठीक है, ये बच्चेदानी है और ये क्या है, बच्चा है, ठीक है। तो ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है बच्चेदानी को, क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कराएगा तो बच्चा कहाँ जाएगा, समझ रहे हो, नीचे निकल जाएगा। आई वैसे में बच्चा नीचे यानी उसका जन्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। कौन से मसल को, यूट्रस के मसल को, कौन से, यूट्रस के मसल को, यूट्रस के मसल को कॉन्ट्रैक्ट कौन करवा रहा है, ऑक्सीटोसिन। आ रही बात समझ में। और दूसरी बात, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है किसको, यूट्रस को, वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है एलुलस, एलुलाए को, या फिर हम कहें और मेमोरी ग्लैंड्स को, और उनसे क्या रिलीज करेगा, मिल्क रिलीज करेगा, क्या करवाएगा ये। तो एक तो ये बच्चा रिलीज करवा रहा है, बच्चा रिलीज करवाना है यानी क्या कर रहा है ये, ठीक है, और दूसरा क्या रिलीज करवा रहा है, ये मिल्क रिलीज करा रहा है। तो एक तो ये मिल्क रिलीज और दूसरा ये बच्चा रिलीज, और बच्चे रिलीज करवाता है ये, है ना। और अगर ये बच्चा जो रिलीज करवा रहा है, इसलिए जो है इसको जो है, ठीक है, तो उसको हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा, यही बच्चा जो है वो इसी हार्मोन्स की वजह से होता है, तो बर्थ हार्मोन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो चाइल्ड के बर्थ के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, और जो है मिल्क इजेक्शन, इजेक्शन मतलब रिलीज, तो बच्चा रिलीज एंड मिल्क रिलीज कौन करवा रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवा रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, और अब जो है, अब अपन पढ़ेंगे वैसोप्रेसिन और एडीएच। वैसोप्रेसिन और कौन का नाम है, एडीएच। देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, और ये हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन जैसा, ये क्या करता है, किडनी से कहता है, ये जो है हार्मोन क्या कहता है, किडनी से कहता है, सुन मेरी बात, किडनी तू ज्यादा जो है पानी रिलीज नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, पानी रिलीज नहीं करेगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, पानी को जो है, देखो जैसे इसके पास जा रहा है ब्लड, इसके पास क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है, तो ये जो है ये क्या करती है, सारा का सारा जो भी पानी है, सारा का सारा जो भी क्या है पानी है, वो ब्लड में डाल देती है, ठीक है, क्या डाल देती है, सारा का सारा जो पानी किस में डाल दिया जाता है, ब्लड में डाल दिया जाता है, ठीक है। और सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट भी, सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट भी, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम वगैरह, क्या बेटा, सोडियम वगैरह, ठीक है, और सारा का सारा पानी भी, सारा का सारा पानी भी इसमें डाल दिया गया, ठीक है। तो ये काम किसने किया, किसने किया, एडीएच ने, किसने काम किया ये वाला काम, एडीएच ने क्या किया, किडनी में जो किडनी ने पानी भर करके रखा हुआ था कि मैं उसको फेंक रही हूँ, क्या कर रही हूँ, फेंक रही हूँ पानी को, ठीक है। तो वो सारा का सारा जो है पानी किसमें डलवा दिया इसने, किसमें डलवा दिया, ब्लड में डलवा दिया, ठीक है, सारा का सारा ब्लड में डलवा दिया, ठीक है, और जो है सोडियम वोडियम भी और वॉटर भी, ठीक है। तो इससे जो है यूरिन कंसेंट्रेटेड रिलीज होगी, इससे क्या रिलीज होगी, यूरिन कंसेंट्रेटेड, कंसेंट्रेट मतलब गाड़ी रिलीज होगी, क्यों गाड़ी क्यों होगी, क्योंकि सारा पानी तो अंदर यहां पर आ गया ना ब्लड में, सारा पानी तो इधर आ गया, तो यूरिन कैसे निकलेगी, यहां पर कंसेंट्रेटेड गाड़ी निकलेगी, और अगर यहां इससे पानी नहीं निकालते तो यूरिन कैसे निकलती, बस बड़ी लिक्विड फॉर्म में निकलती, बड़ी गाड़ी नहीं निकलती, समझ पा रहे हो, तो ये बात ध्यान रखना। तो एडीएच ने बड़ा अच्छा काम किया, तो अब अगर मान के चलो एडीएच की कमी हो जाए, क्या हो जाए, एडीएच की कमी हो गई, अगर एडीएच की कमी हो गई ना तो क्या होगा पता है, एडीएच की कमी होगी तो क्या होगा बताओ, यूरिन कैसी निकलेगी, ठीक है, यूरिन निकलती चली जाएगी, निकलती चली जाएगी, निकलती चली जाएगी। तुम जितना पानी पियोगे वो जिस तरीके का काम होगा कि तुमने, तुम्हें पानी की एक तो प्यास लगेगी, क्या लगेगी, पानी की एक तो प्यास पर लगेगी, थर्स्टी हो जाओगे तुम, क्या हो जाओगे, थर्स्टी, साफ साफ समझ में आ रहा है, कैसे हो जाओगे, थर्स्टी, बहुत ज्यादा तुम्हारे पानी की प्यास लगेगी, है ना, ठीक है। तो ये एक तो तुम थर्स्टी हो जाओगे, और फिर जो है जितना पियोगे उतना बाहर निकाल दोगे, जितना पियोगे उतना बाहर पीते जाओगे, निकालते जाओगे, 10 लीटर पिया 10 लीटर ही निकाल दिया, 20 लीटर पिया 20 लीटर ही निकाल दिया। तो ये बीमारी को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, क्या कहते हैं, वो थी डायबिटीज मलाइटस,
वो डायबिटीज अलग थी और ये डायबिटीज क्या है? ये वाली डायबिटीज एडीएच हार्मोन की वजह से हो रही है, वो वाली डायबिटीज इंसुलिन हार्मोन की वजह से हुई थी, इंसुलिन की कमी थी तो हम बाहर से इंसुलिन के क्या कर रहे थे, इंजेक्शन ठोक रहे थे। समझ पा रहे हो? तो ये बात ध्यान में रखना, ये डायबिटीज इंसिपिडस है और वो कौन सी थी, डायबिटीज मेलाइटस या फिर सिंपल डायबिटीज कहो, शुगर वाली बीमारी। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये बात ध्यान रखना कि एडीएच की कमी होगी तो जो भी किडनी होगी, ठीक है, जो भी किडनी होगी वो क्या करेगी, ब्लड में कुछ नहीं डालेगी, ब्लड आएगा खाली हाथ, ब्लड ऐसे जाने देगी और सारा का सारा जो भी पानी होगा, ठीक है, वो जो है सारा का सारा पानी जो है यूरिन के फॉर्म में निकाल देगी। किस फॉर्म में निकाल देगी? यूरिन के फॉर्म में निकाल देगी सारा का सारा पानी। तो यूरिन में बहुत सारा क्या होगा, पानी होगा, क्या होगा, पानी, पानी ब्लू है, पानी पानी। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो बहुत सारा पानी निकल जाएगा और डाइल्यूट यूरिन होगी। कैसी होगी? डाइल्यूट यूरिन होगी। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो 10 लीटर तक हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो ये हो गया एडीएच की कमी, इसे क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहां पर क्या हो रहा है, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, यहां पर क्या हो रहा है, नो एब्जॉर्प्शन, कोई पानी का वो नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। ठीक है, तो सीधे जो भी था पानी निकलता जा रहा है, बस निकलता जा रहा है। ठीक है, यहां पर क्या नहीं हुआ है, नो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलो ये आपका हो गया। तो इस तरीके से अपन ने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को खत्म कर दिया। ठीक है।